अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले हम स्पॉट वेल्डिंग को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है कुछ इसी तरह की जब हमने परफॉर्मेंस की थी, ऐसी स्पॉट वेल्डिंग मशीन हमारे पास भी है, ठीक है। उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे होते हैं, दरमियान में वर्क पीस है जो कि ग्रेश कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, स्पॉट वेल्डिंग की जहाँ तक डेफिनेशन का ताल्लुक है तो हम ये बोलते हैं कि ये एक बेसिकली रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए आप अपने वर्क पीस को जैसे वेल्ड कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, दो ही मेटल पीसेज होंगे जिनको आप वेल्ड कर रहे होंगे यकीनन आपस में, तो उनको हम जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं उन पर, और हीटिंग होती है। हीटिंग किस तरह होती है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आपको पता है ना कि जब भी कोई किसी चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसमें से जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो वही हीट यूज़ होती है उसको पिघलाने के लिए, और जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो वेल्ड हो जाता है। इसके बाद आगे चलें अगर हम, तो इसमें फिर हमारे पास होता है ये कि जो कॉपर अलॉय की बनी हुई होती हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिसको आप जो भी आपका वर्क पीस है वो कोई शीट्स हो सकती हैं, दो मेटल पीसेस हो सकते हैं जिनको आप वेल्ड कराने वाले हैं, तो उससे आप कांटेक्ट में लाते हैं, यानी उसको लगा देते हैं कॉपर के अलॉय को जो आपकी इलेक्ट्रोड है, और फिर उसके ज़रिए प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब जब आप वो कॉपर की जो अलॉय इलेक्ट्रोड्स हैं उससे उसको दबाते हैं तो इस तरह प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो आगे एक जो है वो रेजिस्टिव मटेरियल होता है जो कि लो कार्बन स्टील का होता है बना हुआ, तो उस जगह बेसिकली ना एक्सेसिव हीटिंग प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही होती है, यानी जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर लो कार्बन स्टील्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास हाई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर मज़ीद इसके उसमें फिर से वही बात कि आप प्रेशर जब अप्लाई करते हैं हीटिंग होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, और यूजिंग अ शेप्ड अलॉय। शेप्ड अलॉय का मतलब कि वही जो भी आप कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं एज एन अलॉय, उसका जिस तरह का शेप होता है उसी फॉर्म के वेल्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो उसी के ज़रिए फिर आप इलेक्ट्रिकल करंट को आगे कन्वे करते हैं अपने वर्क पीस तक। फिर उससे होता है क्या है, वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद फ्यूज़ होता है, फिर जब दोबारा से वो पार्ट्स आपस में सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप करंट को ऑफ़ कर देते हैं और प्रेशर को जो है वो थोड़ी देर तक मेंटेन रखा जाता है, और फिर यहाँ तक कि वो सॉलिडिफाई होके एक मोल्टन नगेट की बात की गई है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि एक उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी उस जगह से मतलब उभरी हुई सी होती है जहाँ पे वो वेल्ड हुआ होता है, इसलिए उसको नगेट कह रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की फिगर पिक्चर होती है, मतलब इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की वैसे है। ये हमारे पास ये रही कॉपर की इलेक्ट्रोड्स जो सामने आपको नज़र आ रही हैं ब्राउन कलर में, इसके ज़रिए आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर इसी को कनेक्ट किया हुआ होता है आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से, इसके ज़रिए करंट आ रहा होता है। तो यहाँ ये बीच में कौन सा जॉइंट है, ये जो आप वेल्ड कर रहे हैं लैब जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इस शेप की जब भी वर्क पीस को आप ऐसे रखते हैं लैब जॉइंट होता है, ठीक है, और दरमियान में जो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं इसके नीचे वो लो कार्बन स्टील वाला मटेरियल भी होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और वो हीटिंग में मदद देता है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी आपको स्कीमेटिक डायग्राम। आगे चलते हैं। अब वेल्डिंग हीट आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बेसिकली जनरेट हो रही है, रेजिस्टेंस हीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, वर्क पीस में ट्रांसफ़र हो रही है कॉपर इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। फिर एक चीज़ ये कि कॉपर को क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में ना, तो देखें कॉपर को मतलब इलेक्ट्रोड्स आप कॉपर की जो लेते हैं यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है, यानी वो काफ़ी हीट को जो है वो कंडक्ट कर सकता है अपने थ्रू, एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपेयर टू मोस्ट
ऑफ द अदर मेटल्स, उसकी अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है। तो जब अपनी उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो है तो उसमें हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपको पता है कि हीटिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के, यानी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी एक्सेसिव हीटिंग होगी। अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी तो हाई है कि अगर हीटिंग होगी भी तो उसको क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इट्सेल्फ वो काफ़ी कम होती है कॉपर की दूसरे मेटल्स के मुकाबले में, तो लिहाजा इसमें एक्सेसिव हीटिंग हो नहीं पाती, मतलब ये इतना गर्म नहीं होता जितना कि वो हिस्सा गर्म हो जाता है जहाँ पे लो कार्बन स्टील है। वहीं आप चाह रहे होते हैं कि बेसिकली एक्सेसिव हीटिंग हो ताकि जो आपका वर्क पीस है वो मेल्ट होके और फिर फ्यूज़ होके और फिर सॉलिडिफाई होके ज्वाइन हो जाए, वेल्ड हो जाए, ठीक है ना। तो आगे ये बात लिखी हुई है कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो इससे आप क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हीट जो है जो जनरेट की जा रही है वो वर्क पीस में हो रादर देन इलेक्ट्रोड। मतलब हीटिंग आप वर्क पीस में करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोड में नहीं करना चाह रहे भैया, आप ये थोड़ी चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पिघल जाए आपकी। इसलिए आपने सबसे अच्छा मटेरियल जो कि कॉपर है वो यूज़ किया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो है और थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, ठीक है ना। और क्योंकि रेजिस्टेंस लो है तो कंडक्टेंस भी हाई है उसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फिर ये बात आ जाती है कि जो हीटिंग होती है इसमें इलेक्ट्रिकल स्पॉट वेल्डिंग में, उस मैथमेटिकल रिलेशन या उसकी फॉर्मूलेशन क्या है। तो देखें, एक तो चीज़ ये भी है कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से ताल्लुक है कि जितनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ही एक्सेसिव हीटिंग होगी जब कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास होगा, ठीक है, फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी। उसमें आप एक पढ़ते होंगे ना जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ बेसिकली यही है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है वो बराबर होती है, यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है क्यू वो बराबर होती है आई स्क्वायर आर टी के। अब इसको अगर आप मतलब ये सोच रहे हैं कि ये फार्मूला मतलब कहाँ से बना है, तो ये फार्मूला वहाँ से बना है कि आप वो बोलते थे ना कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बराबर होती है करंट टाइम्स वोल्टेज के, ठीक है। और फिर आपको ये भी पता है कि पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम होती है, तो एनर्जी अपॉन टाइम की अगर मैं फॉर्म लूँ तो एनर्जी अपॉन टाइम इज़ इक्वल टू वी टाइम्स आई या आई टाइम्स वी जो भी बोलें, तो टाइम वहाँ दूसरी जानब चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं एनर्जी जो है बराबर होती है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट एंड टाइम। फिर आप ये कह सकते हैं कि वो वी उसमें वोल्टेज में वी है, वी वोल्टेज जो होता है उसकी जगह आप अगर ओम्स लॉ यूज़ कर लें तो उसमें सब्सटीट्यूट कर दें वी की जगह आई आर को, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है कि आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि एक आई आर हो जाएगा, फिर आई एक पहले से मौजूद था फिर टाइम था, तो आई और आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर आर टी हो जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये बेसिकली जूल्स लॉ है आपके पास, ठीक है। आगे इसमें नीचे बताई हुई है, खैर मैंने भी आपको बता दी कि क्यू इसमें से जो है वो आपके पास हीट है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, कैपिटल आर जो है वो रेजिस्टेंस है, और टी जो है वो टाइम की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट है कि मटेरियल्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पॉट वेल्डिंग, यानी कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो ठीक रहते हैं कि आप उनको स्पॉट वेल्ड कर दें। सबसे पहले बात की जा रही है कि ड्यू टू द लोअर थर्मल कंडक्टिविटी एंड हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्टील इज कंपैरेटिवली इजी टू स्पॉट वेल्ड। अब थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी कम है स्टील की, कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, सही। तो होता क्या है कि आपको पता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि जो लो कार्बन, देखें इसमें एक जो हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उससे क्या चीज़ इंश्योर हो रही है कि एक्सेसिव हीटिंग होगी अगर आप जो है वो स्टील को स्पॉट वेल्ड कर रहे हैं, और जो इसकी लोअर थर्मल कंडक्टिविटी है
इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि देखें, अगर थर्मल कंडक्टिविटी लो है उसका मतलब वो कम हीट जो है ना, वो जब उसमें कंडक्ट होती है तो उस पर टेम्परेचर उसका ज़्यादा राइज हो रहा है, ठीक है, बनिस्बत कॉपर के। तो जब टेम्परेचर राइज होगा ज़ाहिर है वो मेल्ट भी आसानी से हो जाएगा, और मेल्ट आपको कराना ही होता है वेल्डिंग में, ठीक है। तो स्टील्स जो है बहुत अच्छे से स्पॉट वेल्ड हो जाते हैं आपके पास। अलबत्ता जो ऐसे कार्बन स्टील होते हैं कि जहाँ पे कार्बन की जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 0.4% बाय वेट होती है, तो उनमें जो है वो वेल्डिंग सही नहीं रहती, स्पॉट वेल्डिंग। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो वेल्ड वेल्ड वाला हिस्सा है उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं और जो है वो पुअर फ्रैक्चर भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ब्रिटल सा माइक्रो स्ट्रक्चर बन जाता है कि जब उसमें बेसिकली क्रैक्स होते हैं वेल्ड्स के अंदर, और वो एक ब्रिटल सा स्ट्रक्चर बन जाता है अगर कार्बन कंटेंट जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0.4% बाय वेट हो, ठीक है, तो फिर हम एहतियात करते हैं। तो यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क पीस जो है आपका, ऐसा थोड़ी कि हर चीज़ को आप जो है वो स्पॉट वेल्ड कर देंगे। हो सकता है आप स्पॉट वेल्ड कर दें लेकिन वो इतना कारामत ना हो। आगे चलते हैं। अदर मटेरियल्स कॉमनली स्पॉट वेल्डेड इंक्लूड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को किया जाता है इन पर्टिकुलर ऑस्टेनेटिक एंड फेरेटिक ग्रेड्स, ये आप जानते हैं पहले मटेरियल्स में आप पढ़ें। निकेल के अलॉयस को भी कर दिया जा सकता है स्पॉट वेल्ड, और टाइटेनियम को भी किया जाता है। अब एल्यूमिनियम की बात आ रही है। अब देखें, एल्यूमिनियम का लिखा हुआ है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉपर के लगभग करीब करीब होती है, लेकिन मसला ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिनियम का वो काफ़ी कम होता है कॉपर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल्ड करने के लिए अच्छा रहेगा, सही रहेगा। लेकिन इसकी लो रेजिस्टेंस की वजह से, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है ना, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो एल्यूमिनियम की वो कॉपर के बराबर तो नहीं कह सकते, करीब करीब होती हैं, लेकिन कॉपर की भी आपको पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो होती है, तो लिहाजा एल्यूमिनियम की भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो होती है। अब रेजिस्टेंस लो होती है तो इसका मसला ये है कि अब एक्सेसिव हीटिंग कैसे करेंगे, आपको तो एक्सेसिव हीटिंग भी कर चाहिए ना, तो फिर एक्सेसिव हीटिंग के फिर आपको हो गया, तो जूल्स लॉ में आप क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ लेते, अब आर तो कम है, अब या तो आप टाइम बढ़ा दें बहुत देर तक करते रहें, ठीक है, अब बहुत देर तक करेंगे तो दूसरी बात ये कि एटमोसफेयर है तो वहाँ भी तो हीट वो हो जाती है कंडक्ट, ठीक है, तो फिर वाहिद आपके पास सोल्यूशन ये है कि भाई आप बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएं, अब जो कि हर केस में जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट को फ्लो कराते रहें। जाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपको ईएमएफ सोर्स भी बहुत हाई चाहिए, ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है कि वेरी हाई लेवल्स ऑफ करंट नीड्स टू बी यूज व्हेन वेल्डिंग एल्यूमिनियम इन ऑर्डर ऑफ 2 to 3 times हायर देन फॉर स्टील ऑफ इक्विवेलेंट थिकनेस, यानी स्टील में अगर उतनी ही थिकनेस के स्टील का वर्क पीस होता तो उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट आपको चाहिए होगा अगर वही एल्यूमिनियम का वर्क पीस होता तो। अब कॉपर की बात की जा रही है कि भाई अगर आप लेट से वर्क पीस भी कॉपर या कॉपर के कोई अलॉय वगैरह का ले आए तो फिर क्या बात होगी। तो लिखा हुआ है कि कॉपर एंड इट्स अलॉयज कैन ऑल्सो बी ज्वाइंट बाय रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, तो कॉपर उसके अलॉयज को भी रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग से आप ज्वाइन कर तो सकते हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है ऐसा करना। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनली जो आपका इलेक्ट्रोड है वो खुद भी कॉपर का होता है। अब इससे होगा क्या कि जितनी, अब जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज़ को वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसको तो आप मेल्ट करते हैं ना, यानी आप टेम्परेचर को उस हद तक अचीव करेंगे जो कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब अगर कॉपर उसके अलॉयज की बात, अब लेट्स से अगर है ही प्योर कॉपर है जो वर्क पीस है, तो भाई इलेक्ट्रोड जो है आपका, तो इलेक्ट्रोड भी तो मेल्ट होने के चांसेस हैं जब इतनी आप हीटिंग कर चुके होंगे और टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा कि आपका वर्क पीस अगर पिघल रहा है तो भाई आपका इलेक्ट्रोड भी पिघल सकता है क्योंकि वो भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया जो है वो नहीं जाता। अलबत्ता अगर आपको कोई मतलब
श्योरिटी है कि लेट्स से कि जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का कोई मखसूस ऐसा अलॉय है कि जो कि जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है बनिस्बत कॉपर के दूसरे वाले अलॉय से जिसका वर्क पीस बना हुआ है, तो फिर ठीक है आप कर लें, वरना ऐसे जो है वो हर केस में करते नहीं हैं। आगे एक सॉल्यूशन भी बताया हुआ है कि द सॉल्यूशन टू वेल्डिंग कॉपर इज़ टू यूज़ एन इलेक्ट्रोड मेड ऑफ एन अलॉय विद अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड अ मेल्टिंग टेम्परेचर फार इन एक्सेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। वही जो अभी मैं बात बोल रहा था कि अगर आपने जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर के किसी ऐसे अलॉय की बनाई हुई है कि जिसका कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आप वर्क पीस भले कॉपर का यूज़ कर लें ताकि इलेक्ट्रोड आपकी पिघले नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है वो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसकी भी हो, इलेक्ट्रोड की भी, तो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से फ़ायदा क्या होगा कि आपको करंट की वैल्यू हाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगेन वर्क पीस अगर कॉपर का है तो कॉपर की तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है तो एक्सेसिव हीटिंग कैसे करेंगे। तो जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो भी कॉपर का अलॉय है, तो फिर आप ये भी इंश्योर करेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी हाई होनी चाहिए। अगर वो भी लो है और वर्क पीस जो आपने कॉपर का लिया है उसकी भी रेजिस्टेंस लो है, तो फिर आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट देने पड़ेंगे जो कि हर केस में पॉसिबल नहीं है। तो फिर नीचे दो नाम बताएं कि अगर आपको कॉपर को ही स्पॉट वेल्ड करना है कॉपर के वर्क पीसेस को, तो जो इलेक्ट्रोड है बेहतर ये कि आप मॉलिब्डेनम या टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर आगे आ गया कि भाई वेयर इज़ स्पॉट वेल्डिंग यूज्ड। अब स्पॉट वेल्डिंग जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, ऐसे तो कई जगह यूज़ होती है, ऑटोमोटिव के पार्ट्स में जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं इनमें आप जब जॉइंट्स करते हैं तो स्पॉट वेल्ड करते हैं, एरोस्पेस यानी जब आप बेसिकली एयरक्राफ्ट्स हैं आपके एयरप्लेन्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको आप स्पॉट वेल्ड करते हैं, रेल होती है आपकी जो जैसे रेलवेज होता है ना, रेलवे या ट्रेन होती है तो उसकी एक पटरी होती है रेल, तो उनको आप जो है वो आपने देखा होगा किस तरह वो किस शेप में वेल्ड हुई हुई होती है, वो स्पॉट वेल्ड वहाँ भी कर सकते हैं आप। फिर दिया हुआ है वाइट गुड्स ना। अच्छा, वाइट गुड्स बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कहते हैं जो कि डोमेस्टिक पर्पज़ पे आप यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि हमारे घर में फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है। ठीक है, आमतौर पर ये पहले जो है ना वो वाइट हुआ करते थे, इनके कलर भी वाइट रखे जाते थे वॉशिंग मशीन के फ्रिज के, तो इसलिए इनको जो है वो वाइट गुड्स कहते हैं। तो इनमें भी जो है पार्ट्स को स्पॉट वेल्ड किया जाता है। फिर मेटल का फर्नीचर अगर बना हुआ है कहीं तो वहाँ स्पॉट वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है जो डायोड्स वगैरह बनते हैं और सेमीकंडक्टर डायोड्स और उसमें दूसरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं कि ट्रांजिस्टर है ये वो, तो वहाँ भी स्पॉट वेल्ड्स करते हैं आप, क्योंकि वहाँ आपको जोड़ना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को। फिर मेडिकल में भी यूज़ होता है ये, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मेटल स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे होते हैं उसमें भी, तो उनको भी आपको स्पॉट वेल्ड करना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, मतलब जो एक ब्रीफ सा मुझे बताना था अबाउट स्पॉट वेल्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। बाकी होते हुए तो आपने देख लिए वो परफॉर्मेंस में, उसमें मेरी आवाज़ शायद आई थिंक वॉल्यूम लो था, तो मैंने कहा इसको अलग से बना लेंगे आपके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मेगोटिक वेल्डिंग के बारे में एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।